हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा गुणांक संख्याओं में गुणनफल क्रिया के क्या क्या प्रगुण होते हैं, जिनमें दो प्रगुणों को आपने जाना, पहला समरक प्रगुण और दूसरा क्रम विनिमेय प्रगुण। आज हम आगे के प्रगुणों पर चर्चा करेंगे जो है साहचर्य प्रगुण। तो तीसरा प्रगुण आपका है साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण के अनुसार यदि गुणांक संख्याओं में हम तीन संख्याएं लेते हैं और उनको क्रम से गुणा करते हैं, तो उनके गुणन क्रिया में यदि हम दाएं से बाएं की ओर गुणा करें या बाएं से दाएं की ओर गुणा करें तो भी गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। तो आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे हमारे पास तीन पूर्णांक संख्याएं 2, 5, 3 हमने ले लिया। अब इसे हम दाएं से बाएं की ओर गुणा करें या बाएं से दाएं की ओर गुणा करें, गुणनफल अपरिवर्तित होगा। इसे आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 3 × 5 = 15, 15 × 30। अब इसे हम इस साइड से गुणा करेंगे 2 × 5 × 3, तो 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30। तो ये दोनों प्रकार से आपका वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है पूर्णांक संख्याओं के गुणन में साहचर्य प्रगुण का पालन होता है। अगला जो प्रगुण है वह है शून्य से गुणन। तो पूर्णांक संख्याओं में किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। तो इस प्रगुण को आपने पहले पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में भी प्रयोग किया है। तो ये यदि आप कोई भी पूर्णांक संख्या लेते हैं और उसमें शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। तो वह संख्या या चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, शून्य से गुणा करने पर सदैव गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। जो अगला प्रगुण है आपका वह है गुणन का तत्समक अवयव। तो गुणन के तत्समक अवयव में पूर्णांक संख्याओं में यदि आप 1 से गुणा करें, किसी भी पूर्णांक संख्या में जब हम 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। तो जैसे कि आपने कोई भी पूर्णांक संख्या ली, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, यदि हम इसमें 1 से गुणा करें तो पुनः वही संख्या हमें फिर से मिल जाती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि -5 × 1 - 5, 10 × 1 = 10। तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों में ही आप 1 से गुणा करते हैं तो आपको पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। अगला जो प्रगुण है वह है वितरण प्रगुण। तो पूर्णांक संख्याओं में वितरण प्रगुण क्या है? वितरण दोनों तरह से होता है, योग पर भी और अंतर पर भी, यानी गुणन का योग पर वितरण और गुणन का अंतर पर वितरण, यह दोनों ही पूर्णांक संख्याओं में संभव है। जैसे यदि हमारे पास तीन संख्याएं हों 5 × 10 - 4, तो अब इनका गुणन क्या होगा, इस पर वितरण होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × 10 - 5 × 4, यानी 5 × 10 = 50 और 5 × 4 = 20। तो 50 - 20 = 30। चाहे आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 × 10 - 4 = 6 एंड 5 × 6 = 30। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों साइड से दोनों इक्वल हैं, यानी कि यह जो है क्रिया इस प्रकार भी संभव है और इस प्रकार भी संभव है। यह जो 5 का गुणन है वह 10 और 4 दोनों पर वितरित हो सकता है। तो यह आपने अंतर का देखा। अब इसमें अगर योग का हम करें तो वह भी संभव होगा। और संख्याएं हम वही ले सकते हैं या अन्य संख्याओं को लेकर के भी उदाहरण समझ सकते हैं। तो इसमें भी योग में भी गुणन वितरित होगा, 5 × 10 + 5 × 4 = 50 + 5 × 4 = 20। ये आपको मिल गया 70। और सेम यहाँ भी आप करेंगे इसी कर्ण क्रिया से तो भी वही आपको मिलेगा, 10 + 4 = 14 and 14 × 5 = 70। तो ये आपने देखा कि योग और अंतर दोनों में पूर्णांक संख्याओं में गुणन जो होता है वह योग पर भी और अंतर पर भी दोनों क्रियाओं पर वितरित होता है। पूर्णांक संख्याओं में गुणन का योग पर और अंतर पर जो वितरण है इसे आप सूत्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास तीन संख्याएँ पूर्णांक संख्याएं ए बी और सी हैं, तो हम ए का गुणन बी प्लस सी में करें या बी माइनस सी में करें, दो ए जो है दोनों ही संख्याओं पर वितरित होगा, बी पर भी और सी पर भी। तो इसका मान क्या होगा, ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी।
के बराबर, या अगर a गुणे बी माइनस सी लेते हैं तो इसका मान हो जाएगा a गुणे बी माइनस a गुणे सी। तो ये आपका योग पर वितरण प्रगुण है और ये आपका अंतर पर वितरण प्रगुण है।